तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज होने वाले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा ताजिकिस्तान के सेंट्रल रिपब्लिकन स्टेडियम पर। इंडिया में ये मैच टेलीकास्ट होगा शाम को 7:30 पर स्टार पोस्ट नेटवर्क पर। अब तक इंडिया और अफगानिस्तान कुल 8 बार आमने सामने हुए हैं, उनमें से 6 बार इंडिया मैच जीता है, एक मैच ड्रॉ हुआ है और एक मैच अफगानिस्तान ने इंडिया को हराया है। इंडिया टीम में कोई चोट की खबर नहीं है, आदिल खान की थोड़ी सी चोट है, उनको छोड़ के पूरी टीम पूरा का पूरा फिट है। अब बात करते हैं इंडियन प्लेइंग 11 के बारे में। इंडिया इस मैच को अपने 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ उतरेंगे और इंडिया के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। गोलकीपर में गुरप्रीत सिंह संधू, राइट बैक प्रीतम कोटाल, सेंटर बैक आदिल खान और आनास एडवाटिका, लेफ्ट बैक मंदार राव देसाई, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा और प्रणय हालदार, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर शाहिद अब्दुल समाद, राइट विंगर उदंता सिंह और लेफ्ट विंगर लाल लेन ज्वाला छांगते और स्ट्राइकर में कैप्टन सुनील छेत्री। टीम में थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, जैसे आदिल खान अगर चोट हुए तो उनके जगह राहुल बेके खेल सकते हैं, लाल लेन ज्वाला छांगते की जगह पर मनवीर सिंह भी आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो तो मैच के वक्त ही पता चलेगा। तो आप हमें बताइए इंडिया क्या ये मैच जीतेगा, अगर जीतेगा तो कितने गोल से जीतेगा, कौन से प्लेयर गोल कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, और इंडिया क्या 2022 के वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। आज के मैच में इंडिया के प्लेइंग में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।